और हम रोमांटिक हो रहे थे, हम रोमांटिक हो रहे थे, रोमांटिक हो रहे थे, घर पे बाल आई हुई है, कैसे रोमांटिक हो रहे थे बता दीजिए। वेलकम बैक टू माय दुनिया दोस्तों, नए दिन की शुरुआत हो गई और मैं बैठा हूँ अपनी बालकनी में, बाहर के मौसम का मजा लेते हुए, बढ़िया वाली बारिश हो रही है। सुबह सुबह घर से फोन आ गया था पापा का, तो मैं सो ही रहा था, उठा बाहर आके बैठ गया, बारिश में मैंने चेयर टेबल लगाया हुआ हूँ, एकदम मूड रिफ्रेश हो गया। अभी मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आज भजन कीर्तन वगैरह सब रखे हुए हैं तो कैसे हो पाएगा, लोग आ कैसे पाएंगे इतनी बारिश हो रही है तो। लेकिन कोई नहीं, आने वाले आ ही जाएंगे, चाहे जैसे भी आए आ ही जाते हैं। तो और जिनको नहीं आना रहता है ना, नहीं शामिल होना रहता है आपकी खुशी में, वो दुनिया के बहाने मारते हैं। तो चलो आज वीडियो में बने रहो, आज का दिन बड़ा इंटरेस्टिंग है, मज़ा आएगा। दिन की शुरुआत करते हैं, जिया को फ़ोन करता हूँ कि आ जाओ आरती करना है, मैं भी रेडी होता हूँ। तो लक्की लेके आया है चॉकलेट गणपति बप्पा के लिए, तो चॉकलेट चढ़ा रहे हैं प्रसाद के रूप में, चढ़ा दो, खा लेंगे। वो इतने सुंदर, इतने क्यूट हैं, उनको चॉकलेट बहुत पसंद आएगा। हाँ। मेरे मतलब मैं उनको पता नहीं क्यों ऐसे, उनको देख के मुझे बच्चे वाली फीलिंग आ रही है। भगवान है भले, लेकिन वो फीलिंग की बात होती है। हाँ। किसी को भक्त वाली, किसी को प्रेम करने वाली, किसी को बच्चे वाली फीलिंग आती है, मेरे को शुरू से बच्चे वाली फीलिंग आ रही है। यही तो खास बात है गणपति बप्पा की। हाँ, मुझे देखो आज ने इतना अच्छा माला लेके आई है, बहुत अच्छी डिजाइन वाला एकदम भरा भरा सा माला। तो अब आरती का वक्त आ गया है, क्योंकि फिर थोड़ी देर में सब लोग आने ही वाले भजन कीर्तन के लिए, तो हम आरती कर लेते हैं। हाँ। तो भाई मैं और लकी नीचे आ गए हैं और जा रहे हैं बाइक से घोड़ा लेने के लिए। घोड़ा घोड़ा बहुत दिन से रहस्य बना हुआ था, और आज फाइनली जब घर पे भजन मंडली हो रही है तो मैंने सोचा घोड़ा लेके आया ही जाए, थोड़ा जमा देंगे इसी बहाने, अच्छा लगेगा। वो रिटर्न तो हो नहीं रहा है अमेजन में, उसको रिपेयर करवा लेंगे, उसकी लाइट का थोड़ा सा इशू था, तो हमारा लाइट वाला अच्छा है, वो रिपेयर कर देगा। फटाफट निकलते हैं, जिया ऊपर सारी तैयारी करके बैठी हुई है, हम आते हैं घर से। इतना बड़ा ये घोड़ा था, इसने पंचायत पाल के रखा हुआ था, बहुत दिन से रिटर्न ही नहीं जा रहा था, मैं सोचा ले ही आते, लगा ही देते, और लगाने के बाद का लुक आपको दिखाता हूँ। ये देखो बहुत बड़ा है। तो भाई खाना खाने के लिए हम लोग तैयार हो चुके हैं, नहीं ऐसा तैयार खाना खाने के लिए नहीं, जो भजन मंडली हो रही है उसके लिए तैयार हुए ऐसा। और यहाँ पे खाना खा रही, क्योंकि हम लोगों ने दिन भर से खाना नहीं खाया था। टक्कू सेठ जी भी बैठे हुए हैं, लेकिन टक्कू सेठ जी का काम का कुछ भी नहीं है खाने का। यहाँ पे हम लोग खाना निपटा लेते, बाहर लोग आना शुरू हो गए हैं, और गलत टाइम पे लाइट चली गई है, नहीं तो लाइट शो हुआ होता घर पे। अरे यार पानी नहीं रख पाए, शिट, पानी ले, वो किचन में वैसे ही रखा है, सिर्फ लाके के लिए ग्लास लाना। तो हम लोग अभी मिठाई की दुकान में मिठाई लेने के लिए आए थे, मोतीचूर के लड्डू लिए हैं और कलाकंद लिए, कलाकंद क्या मेरा फेवरेट है, और मैंने सोचा ले ही लिया जाए, पापा को भी चढ़ जाएगा और पूजा में जितने लोग आए हुए हैं उन लोग के लिए भी अच्छा हो जाएगा। अभी पानी पूरी खाने का प्लान बनाया हमने, क्योंकि खाने इतने अच्छे से नहीं हो पाया था, तो पानी पूरी खा लेते फिर जाते हैं। अभी हम लोग पानी पूरी के लिए लाइन में लग गए हैं, लाइन में क्या लगे हैं, हम ही सबसे पहले हैं लाइन में, लाइन ही हमसे शुरू हो रही है। अभी लकी नहीं खा पाया, लकी रहता तो लकी खा लेता। ये लो आप भी ललचो थोड़ा सा, लकी को अल्लाह खिला देना। जिया से टक्कू बहुत देर में मिला है, तो उसकी मस्ती देखो, बहुत नाच रहा था अभी। अभी कैमरा जैसे ऑन किया तो उसकी मस्ती कम हुई थोड़ी, कैमरा कॉन्शियस है ना मेरा बेटा, कैमरा पहले हीरो था, कैमरा फ्रेंडली था, अब कैमरा कॉन्शियस हो गया है। यार ये थोड़ा खाना लकी बता रही है, खाना ढूंढ रहा था थोड़ा, तो उसको खाना देता हूँ निकाल के। डॉग फूड डॉग फूड समोसा ला लो, थोड़ा खा लो, थोड़ा दे दो। समोसा खाया जाएगा क्या? समोसा हटो हटो, एक्सप्रेशन देख ले दो, समोसा खाया जाएगा लगता है। हाँ, खाएंगे समोसा, खाएंगे।
कितनी बार हाँ बोले बेचारा, हाँ तो बोल रहे, कोई बीच में नहीं आएगा, टक्कू समोसा खा रहे हैं। हाँ सिर्फ सिर्फ अरे अरे पूरा नहीं है ऐसा बोल दिया, इसका मतलब ये नहीं पूरा टक्कू खाएगा, ऐसा पूरा नहीं खाना है, पूरा नहीं खाना। मम्मा लकी लकी आ जाओ। तो अभी हम लोग सबका घर ले जाने का प्रसाद जो है वो पैक कर रहे हैं, केले वेफर और समोसे और मिठाई खिला चुके हैं यहाँ पे। और कोल्ड ड्रिंक सबने पिए कि नहीं? बाद में इसके बाद जब होने के बाद सब, अच्छा सब कुछ खत्म जाते टाइम कोल्ड ड्रिंक मतलब बाय वाली। अभी 5:30 बज रहे हैं और भजन होते हुए लगभग 2 घंटे हो चुके हैं। बहुत अच्छा माहौल बना हुआ है, एक दो बार मैं आपको दिखा चुका हूँ, एक बार और दिखाता हूँ। आओ तो अभी भाई हम लोग भागते भागते जिया के घर पे पहुंचे हैं, क्योंकि पता चला है कि पूरे घर में बाढ़ आ गई है। मतलब कोई नल खुला छूट गया था और बाढ़म बाढ़ अभी पूरे घर में तो नहीं हुई है, पूरे घर में बिल्कुल नहीं हुई है। यहाँ पे घर पे तो नहीं हो रही है पूरे हा? पूरे घर में कहाँ बाढ़ आ गई? वो बोल रहे थे, वो बता रहे थे मुन्नी के पूरे घर में बाढ़ आ गया, उधर पानी गिरा है पूरा। ठीक है, इसको पूरे घर में बाढ़ आना नहीं बोलते, ऐसे भाग के आए हो। मूवी नहीं देखती हूँ मेरे साथ, मैं अकेले मूवी देखता हूँ, मैंने बोले मुझे भी देखना था, ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं मूवी देखने की। फिर मेरे को याद आया, अरे बाढ़ आई है घर में, बाढ़ आई है, हम खड़े होकर बात कर रहे हैं, खड़े होकर बात करने लगे आते आते। अरे यहाँ पे फिर भी लेकिन सब ठीक है, हाँ सब ठीक है। अभी क्या चले, हम चलते हैं मौसी को चाबी देके चलते हैं। कहाँ है मौसी? तो अभी आए हुए हम लोग समोसे लेने के लिए, क्योंकि सभी ने समोसे खा लिए तो अब लेबर लोग भी खा लेंगे तो क्या बुराई है। तो उन सब के लिए पैक कराने के लिए 25 समोसे हम यहाँ पर खड़े हुए हैं। आरती पूजा भी करना है 7:30 बजे में, लेकिन हो जाएगा तो, क्योंकि देखो सबसे बड़ी बात वीडियो बना हुआ है और आज बहुत टाइम तक पापा के लिए भजन हुआ है पूरे दिन। हाँ तो पापा पे आरती थोड़ा लेट भी करना होगा तो कभी प्रॉब्लम नहीं है। हाँ चलिए, वो देखो रोड के बीच में जा रहा था, ये देखो ये कोबरा है, पता है कोबरा है ये, ब्लैक कोबरा। ओ बच्चे सांप 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 हटो, सांप है वहां पे, ये देखो यहां पे यहां पे। तो अभी हम लोग यहां से आ रहे थे और यहां पे हमको एक सांप दिखा जो रोड क्रॉस करके आ रहा था, देख के ऐसा लगा कि कोबरा होगा नाग होगा, लेकिन जब पास में आए तो देखे कि उसके ऊपर से बहुत गाड़ियां गई हुई है और वो मरने वाली सिचुएशन में है, और वो नाग नहीं है मतलब सादा वाला है, पानी वाला जो सांप होता है ना, वो एक लड़के ने उठा लिया उसको, उसको उठा के आगे ले गया है, शायद कहीं जंगल में छोड़ दे जहाँ पे उसको नहीं, वो मरने की सिचुएशन में पता है, अगर थोड़ी भी जान होगी तो शायद जंगल में रहेगा तो बच जाएगा, पता है। देखो मैं दिखाता हूँ वीडियो में दिखेगा, जूम किया मैंने, वो देखो वो हाथ में है, हाथ में
क्या कर रहा है वो, लेकिन हाथ में लेके यार वो उसको और डरेगा हाथ में नहीं, हो सकता है पता है वो समझ रखता हो ऐसी चीजों की और वो कहीं लेके जा रहा हो उसको, ना छोड़ देना चाहिए जंगल में, जितना टच करेंगे ना हाथ से उतना ज्यादा डरेगा वो उसको, अगर मरना या जिंदा होना उसको छोड़ दो जंगल में, उधर जंगल है आगे, उसको जीना वो जी जाएगा, मरना वो तो मर जाएगा, भगवान से प्रे कर उसकी आत्मा को शांति मिले, अगर मरा जल्दी मर जाए बेचारा, तड़पे ना बेचारा। तो अभी ब्लडी सत्य भजन मंडली की शुरुआत करने जा रहे हैं हम लोग। हाँ। तो ढोलक और ये क्या बोलते हैं इसको, झाल, झाल है ना जो भी बोलते हैं, थोड़ा बजाने की कोशिश करते हैं, देखते हैं कैसा बजा पाते हैं बीट में, ठीक है 3 2 1 आप बोलोगे ना। मैं बजाऊंगी। अब तुम्हारी बारी, अब तुम ब्लडी सत्य भजन मंडली में जाओ, इधर 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 रिवाज से, हाँ रिवाज पूरा होने से, हाँ अच्छे से रखने दो, हाँ ये हाँ एकदम फील में, अब बजाया जाए। लक्की रुक गया अपनी जाल बजाते बजाते। अब तुम जाल बजाओ। आज पूरा स्वर संगीत बना डालेंगे पूरे माहौल को, जिया गिटार लेकर आ गई है, आओ इधर आओ। तुम गिटार बजा रही हो कि सितार बजा रही हो, ऐसे पकड़ के मेरे को ये समझाओ पहले। हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर नहीं तो पहले रोमांटिक होने के चक्कर में हमने बाढ़ ला दी, अभी रोमांटिक होने के चक्कर में कपड़े गंदे कर देंगे। नहीं नहीं कोई बात नहीं, घर पे रहना है ना। अब जिया की ख्वाहिश में तुम मेरे लिए एक रोमांटिक गाना गाओ, ठीक है। आपकी नजरों ने समझा प्यार के काबिल, मुझे दिल की ये धड़कन ठहर जा, मिल गई मंजिल मुझे, ए आपकी नजरों ने समझा, फलक तक चल साथ मेरे, फलक तक चल साथ चल, फलक तक चल साथ मेरे, फलक तक चल साथ चल। लोग आरती ले लो, ये कैमरे भी आरती ले लो थोड़ी, आप लोग भी आरती ले लो। अब आप लोग ले लो। तो अभी हमने किए हैं जस्ट धमाकेदार वाला फोटो सेशन, इतनी बढ़िया बढ़िया फोटो आई कि मैं आपको क्या ही बताऊं अभी, लेकिन बहुत सारी फोटोज to, क्या थैंक्स टू क्या लाइटिंग दादा, ज्यादा मत बनो हां। बोलो थैंक्स टू लक्की लोमे सोन के सरिया हो गया अभी। इतनी अच्छी अच्छी फोटोज आई, लेकिन मैं सबको रिवील नहीं कर सकता अभी जब तक होम टूर वीडियो नहीं आ जाता यूट्यूब में, लेकिन उसको सारी चीज़ें छोड़ के मैं सोच रहा हूँ होम टूर वीडियो पहले डाल देता हूँ, टेंशन खत्म, फिर बिंदास फ्री होके ब्लॉग बना पाऊँगा, आप लोगों को प्रॉपर घर दिखाना है ना, इसलिए नहीं। अभी फिलहाल आया हुआ है पिज़्ज़ा, हाँ तो हम लोग पिज़्ज़ा खाने वाले हैं, एक है चीज़ क्रस्ट वोल्केनो वाला और एक है अपना वो वेज लोडेड। चलो नीचे बैठ के खाएंगे, आज टेबल वगैरह सब अंदर है, सब भजन मंडली वगैरह, और हम मूवी देखने जा रहे हैं आज सनम तेरी कसम, थोड़ी पुरानी मूवी हो गई है लेकिन मैंने वो फिल्म आज तक नहीं देखा था, और लकी को तो पता भी नहीं है हर्षवर्धन राणे कौन है, तो मैंने बोला चलो अब देखा ही जाए,
मैंने भी आज तक उसकी एक भी फिल्म नहीं देखा हूँ। अच्छा एक्टर है बेचारा। फाइनली भाई नया दिन निकल चुका है और सचमुच में जो फिल्म की बात करें जो रात में देखे थे वो बहुत ही अल्टीमेट फिल्म थी। बस छोटी सी एक कमी थी कि फिल्म थोड़ी स्लो थी, थोड़ी फास्ट होती तो और भी ज़्यादा मज़ा आता। ढाई घंटे की फिल्म थी, दो घंटे की बनाते फाड़ के निकल जाती फिल्म। और एक्टिंग वगैरह सबकी अच्छी थी। स्टार्टिंग में थोड़ी सी मूवी मुझे डाउन लगी लेकिन एंड होते होते तक मूवी ने ऐसा पेस पकड़ी थी कि मज़ा आ गया था। मतलब खतरनाक वाली इमोशनल फिल्म थी। और बस अब नया दिन निकल चुका है जैसे मैंने आपको बताया, तो अब नए दिन की शुरुआत करना है, नए ब्लॉग की भी शुरुआत करना है। पुरानी चीज़ खत्म होगी तभी तो नई चीज़ आएगी, तो इसको ख़त्म करते हैं। अब तक देख लिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना और इंस्टाग्राम की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ भी पहुँच जाना और उसको लाइक करना मत भूलना। फिर से बहुत जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय।